Hello, myself Dr. Chennai Sekhan. This is 11th number lecture of P block LMM. इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन, क्योंकि हम लोग का ग्रुप 17 वाला का ओनली जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े थे. उसके बाद उसका हैलाइड्स, ऑक्सीआइड्स एंड ऑक्सीएसिड ये सब नहीं पढ़े थे, क्योंकि उसका अलग, क्योंकि इसमें ना जो भी इसका थोड़ा बिहेवियर अलग होगा तो नेम अलग हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कैसे उसका आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग हाइड्राइड पढ़ रहे थे, जबकि हाइड्राइड एंड हेलोजन मिलकर यहाँ पर क्या बनाता है, हैलाइड्स बना रहा है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण है. तो इसका जो भी प्रॉपर्टीज और ये सब कंपाउंड्स है, इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं. तो इसमें जैसे हाइड्रोजन हैलाइड्स है, ठीक है, प्योर एनहाइड्रस एच एस कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर एक्वा सोल्यूशन नोन एज हाइड्रोहैलिक एसिड और हेलोजन एसिड. ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है. तो इसमें ये कुछ इसका प्रिपरेशन दिया गया है, जैसे यह एच एफ का प्रिपरेशन दिया गया है, कैल्शियम फ्लोराइड एन एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करके एच एफ एसिड बनाता है. एन एस सी एल के साथ एच टू एस ओ फोर रिएक्ट करके एच सी एल बना रहा है. ठीक है, उसी तरह बाईसल्फेट के साथ रिएक्ट करके एन एस सी एल एच सी एल. तो ये सब लिख के प्रैक्टिस करना है, सब प्रिपरेशन. एंड यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एच सी एल, एच आई, एच पी आर. ठीक है, उसी तरह रेड फॉस्फोरस को ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके जो ट्राई हैलाइड बनता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करने से एच बी आर और एच थ्री और उसके साथ फॉस्फोरस एसिड भी बनता है. ठीक है, और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे एस आई ओ टू के साथ रिएक्ट करके क्या टेट्राहेड्राइड, ये सब तो प्रैक्टिस की ही हम लोग टेट्राहेलाइड्स में, सिलिकॉन टेट्राहेड्राइड, वही सब कुछ कुछ कॉमन रिएक्शन आ जाएगा. जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कुछ कॉमन रिएक्शन आ जाएगा दूसरे ग्रुप के साथ, तो बस इसको लिख के प्रैक्टिस करना है. ठीक है, ये सब फेरॉन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है फेरॉन्स, पता ही है ना, ये काफ़ी रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, ये ग्रीन हाउस गैस में ये है. ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के प्रिपरेशंस एंड उसके प्रॉपर्टीज. उसी तरह हैलोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, इसमें भी नेमिंग, क्योंकि ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो वो जो होगा कंपाउंड वो ऑक्सीफ्लोराइड कहा जाएगा, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का ऑक्सीजन का कंपाउंड होगा तो वो ऑक्साइड्स कहा जाएगा. ठीक है, क्यों, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है ना कोई भी फॉर्म ये मॉलिकुलर फॉर्मूला में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, इलेक्ट्रो उसका जो पॉजिटिव पार्ट रहता है उस कंपाउंड का. ठीक है, इसलिए इसमें देखेंगे जैसे फ्लोराइड के केस में ओ एफ टू लिखा है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कारण से क्या है, इसका नेम हो गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. ठीक है, और यहाँ पर ओ टू एफ टू है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसमें फ्लोरिन का डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है. ठीक है, उसी तरह क्लोरीन के केस में क्लोरीन इधर चल गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया, तो Cl2O. ठीक है, इसका नेम चेंज हो जाएगा डाई क्लोरीन मोनोऑक्साइड. ठीक है, उसी तरह यहाँ Br2O में भी डाई ब्रोमो मोनोऑक्साइड. ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन, ये प्लस वन का है, देन ये प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन, और ये कुछ अदर भी कंपाउंड्स मिलता है इसका. ठीक है, तो मैंने ये सब पढ़ना है. जैसे प्लस फाइव में ओनली आयोडीन ही है, अदर कोई भी हेलोजन का पेंटाऑक्साइड नहीं बनाता, जबकि प्लस फोर में क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड ब्रोमीन डाइऑक्साइड, अदर कुछ कोई नहीं बनाता. सिक्स में सिर्फ क्लोरीन का ही बनता. ठीक है, सेवन में भी ये डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड बनना. ठीक है, ये सब प्रैक्टिस कर लेना है, इसका नेम एंड फॉर्मूला ये सब लिख के प्रैक्टिस करना है, जो किसका क्या नेम है ना उसका फॉर्मूला. नेक्स्ट, इसका भी प्रिपरेशन दिया गया है, ये सब रिएक्शंस हैं, इसको प्रैक्टिस करना है. जैसे एफ टू एन ए एच के साथ रिएक्ट करके क्या है, ये जो ओ एफ टू बना दे रहा है. ठीक है, डाइफ्लोराइड क्लोरीन ए जी ओ के साथ 300 सेंटीग्रेड में हीट करने से क्या सी एल टू ओ बना रहा है. उसी तरह एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ ये सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, दो ये बना रहा है. ठीक है, सी एल ओ टू. देन ये एस ओ टू एंड एस टू एस ओ फोर के साथ सेम रिएक्ट करके एन एस सी एल थ्री क्या बना रहा है, सी एल ओ टू. ठीक है, यहाँ पर अगर ऑक्सैलिक एसिड है और यहाँ पर एस टू एस ओ फोर. ठीक,
HClO3 के साथ HCl रिएक्ट करके ये बनाना है। सिर्फ ज़्यादातर देखेंगे जितना भी ऑक्साइड्स है, क्लोरीन का बहुत तरीके का है, वैरायटी है, ठीक है। और ClO2 ओजोन के साथ रिएक्ट करके Cl2O6, वहीं HClO4 P4O10 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। ये सब रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म है ना, क्लोरीन का डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म है। सपोज ये दे दिया, यहाँ पर फिल करने के लिए दे दिया जो कौन सा ऑक्साइड बना, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप लोग को याद नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब इसका प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट, इसका प्रॉपर्टीज़ भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करने पर ही ये याद होगा, ठीक है। जैसे अमोनिया के साथ अमोनियम क्लोराइड बना रहा है N2NH2, उसी तरह वाटर के साथ Cl2O क्या बना रहा है, HOCl, लेकिन ClO क्या बना रहा है, HClO3, ठीक है। उसी वहीं फिर Cl2O6 डिफरेंट ऑक्साइड है, क्लोरीन ऑक्साइड ही है, लेकिन वाटर के साथ तीन तरीके से इसमें प्रोडक्ट हो गया HClO3, HClO4, ठीक है। वही Cl2O एंड NaOH रिएक्ट करके NaOCl, NaOH H2O2 रिएक्ट करके NaClO2, ठीक है। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड ना रहे तो इस तरीके का कम, तो ये सब प्रैक्टिस है, सेम है चीज, लेकिन कुछ यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो ये बना रहा है, नहीं रहे तो इस टाइप का बना रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आयोडीन ज़्यादातर हम देखेंगे जितना भी है, क्लोरीन का बहुत तरीके का ऑक्साइड है, उसका ज़्यादातर रिएक्शन, ठीक है। देन ऑक्सो एसिड, ठीक है। इसका ऑक्सो एसिड में 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड बनता है, हाइपर हैलस एसिड, हैलस एसिड, हैलिक एसिड एंड पर हैलिक एसिड, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी। हाइपर हैलस में क्या, इसमें क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर्मूला HOX, एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, ठीक है। हैलस एसिड में क्या है, HXO2, ये जनरली इसका क्लोरीन का ही है, HClO2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3। HXO3 हैलिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन नहीं बनाता है, ठीक है। HClO3, HBrO3, HIO3, ठीक। उसी तरह पर हैलिक एसिड में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बना रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो गया, +6, फॉर्मूला HXO4, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है HClO4, HBrO4, HIO4, ठीक है। ये सब लिख के प्रैक्टिस करना है सबका, कौन से एसिड कौन किस ग्रुप में आता है, ठीक है, एंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब याद रखना। जैसे हाइपोहैलस एसिड HOX क्या है, HOF इज प्रिपेयर बाय पासिंग F2 ओवर आइस एट 0 सेंटीग्रेड, तो ये HOF बना रहा है, ठीक। लेकिन अदर जो भी है, HOF के कंडीशन ये है, लेकिन अदर जो भी HOCl, HOBr, HOI बनाएगा तो ये सिंपल AgO, H2O के साथ रेट और उसका मतलब क्लोरीन गैस हो, ब्रोमीन गैस, तो तब बना देगा HOX, ठीक है। सिर्फ फ्लोरीन के केस में ऐसा, क्यों, HOF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द हाइपो अदर हाइपोहैलस एसिड, जो HOCl, HOBr, HOI के से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, HOF। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2O टू H2O2, ठीक है। इसी कारण से इसका इस मेथड से HOF का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक। HOCl, HOBr एंड HOR वीक एसिड बट गुड ऑक्सीडाइजिंग है, कंपेरेटिवली HOF से कंपेरेटिवली वीक एसिड। हैलस एसिड में क्या है, HXO2, ठीक है। इसका क्या है, ओनली हैलस एसिड, सिर्फ क्लोरस एसिड ही है, अदर तो हम नहीं देख रहे, सिर्फ क्लोरस का ही है। HClO2 उसका फॉर्मूला है, इट इज़ ए वीक एसिड बट स्ट्रॉन्गर देन HOCl, इसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्गर है, बट अदर जो भी एसिड है उससे वीक है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर बाई ट्रीटिंग बेरियम क्लोराइड विद H2SO4, ये इसका एक ही मेथड है। नेक्स्ट, हैलिक एसिड, हैलिक एसिड क्या है, फॉर्मूला HXO3, 3 हैलिक एसिड नोड्स, HClO3, HBrO3, HIO3, ठीक। सब क्या, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है तीनों, ठीक है। HIO3 इज प्रिपेयर बाय ऑक्सीडाइजिंग I2 विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और O3, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज, I2 को ऑक्सीडाइज करने से HNO3 के प्रेजेंस में या फिर ओजोन के साथ, तो फिर HIO3 बन जाएगा। HCl3, HIBrO3 आर प्रिपेयर बाई ट्रीटिंग द बेरियम हैलस विथ H2SO4, ठीक है।
तो HClO3 बनाए, ठीक। उसी तरह यहाँ पर था ना, इसमें भी बेरियम क्लोराइड, ठीक, सिर्फ यहाँ पर ClO2 है, यहाँ पर क्या है ClO3, बस सेम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एक में वो क्या बना रहा है हैलस एसिड, इसमें बना रहा है हैलिक एसिड, क्लियर। पर हैलिक एसिड में क्या है HXO4 होता है फॉर्मूला, इसका प्रिपरेशन क्या है अमोनियम क्लोराइड HNO3 के साथ रिएक्ट करके HClO4 बनाता है एन अमोनियम नाइट्रेट, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नोन, सब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, पर आयोडिक एसिड भी बनता है इसका, ये हो गया इसमें ये, ये फॉर्मूला हो गया। तो डिफरेंट तरीके के हम लोग एसिड्स पढ़ लिए, ऑक्सी एसिड्स, तो इसमें एसिड स्ट्रेंथ सबसे, जिसमें जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा गया, पर हेलिक एसिड, फिर हेलिक एसिड, फिर हैलस एसिड, फिर हाइपोहैलस एसिड, ठीक है, ये हो गया। एसिड स्ट्रेंथ भी पता है, जिसमें जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उसका उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो इसमें O4 है ना, इसमें O3 O2 एंड इसमें सिंगल ऑक्सीजन है, ठीक। तो ये हो गया, अभी हम लोग डिफरेंट कंपाउंड पढ़ चुके हैं हैलोजन ग्रुप का। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर टॉपिक बचा हुआ है इंटर हैलोजन्स एंड पॉली हैलाइड्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।